वृक्ष, वन और उनका उजड़ना, पानी, सूखा और रेगिस्तान का फैलाव, खाद्यान्न की कमी, गरीबी और विषाक्त अपशिष्ट, जैविक विविधता संकट, लुप्त होते वन्य जीव और पशु निर्ममता, प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े इन संकटों का नारी के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से क्या कोई संबंध हो सकता है? आधुनिक समाजशास्त्री इको फेमिनिस्ट का ध्यान इस ओर अब गया है और वे इनमें गहरा संबंध भी देख रहे हैं। उनका मत है कि नारी शोषण, बाल उत्पीड़न तथा गरीबों के साथ हुए अन्याय तथा प्रकृति के साथ किए गए दोहन में काफी साम्यता है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन आज हमें उस स्थिति में ले आया है कि जहां आगे सर्वनाश की संभावनाएं ही दिखाई देती हैं। इसी प्रकार आज जिस आतंकवाद, उद्विग्नता, अशांति के दौर से हमारी युवा पीढ़ी गुजर रही है, वह एक प्रकार से नारी शक्ति की उपेक्षा का ही परिणाम है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाए, यह कर्तव्य हमारा है। युग निर्माण योजना के आरंभ से ही कुरीति उन्मूलन और महिला जागरण दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया तथा परिवार निर्माण से समाज निर्माण के कार्यक्रमों में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने नारी जागृति को प्रमुखता दी। स्त्रियों को गायत्री अधिकार और उन्हें गायत्री साधना में दीक्षित कर परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण के क्षेत्र में अद्वितीय क्रांति का सूत्रपात आज से 70 वर्ष पहले ही कर दिया। माताजी को सर्वप्रथम गायत्री दीक्षा देकर उन्होंने अपने से ही इस आंदोलन का आरंभ किया। जिस गायत्री विद्या को अपनाने का अधिकार महिलाओं से मध्यकाल में छीन लिया गया था, उसे पुनः स्थापित करने में आचार्य श्री का ये कदम एक प्रकार से भगवान श्री राम द्वारा अहिल्या उद्धार के समतुल्य ही था। फिर परम वंदनीय माताजी द्वारा शांति कुंज में देव कन्याओं के माध्यम से 24-24 लाख के 24 महापुरुष चरण एक वर्ष में करवाकर एक प्रकार से 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष किया गया। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देव कन्याओं द्वारा पूरे देश में किए गए जन जागरण के कार्यक्रमों ने नारी जगत की सुप्त प्राय आध्यात्मिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। साथ ही उनमें यह आत्मविश्वास भी पैदा किया कि वे परिवार निर्माण और समाज निर्माण में अपना बराबरी का योगदान दें। जाग गई नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। घर घर में आधिपत्य जमाए हुए आधे जन समूह को शोषित और आधे को शोषक बनाकर अनेकानेक संकट उत्पन्न करने वाली नारी समस्या को हल करने के लिए अनेक प्रकार के प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं सुधारात्मक प्रयत्न उतने ही बड़े परिमाण में करने पड़ेंगे जितनी बड़ी की कठिनाई और उससे उत्पन्न विभीषिका है। प्रबल आकांक्षा ही प्रगति का रास्ता बनाती है। प्रगतिशील जागृत नारी के द्वारा सुसंस्कारिता, शालीनता, पवित्रता और संवेदना की गंगोत्री का जो प्रवाह उमड़ा, उसने देखते ही देखते पूरे समाज में एक क्रांति कर दी। पद दलित नारी आज बराबरी से अपनी आवाज उठाने में सक्षम है। शिक्षा और रोजगार के आज जो समान अवसर नारियों को मिल रहे हैं, इसके मूल में आचार्य श्री की इस मौन क्रांति का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। दिशाएं जाग रही हैं,
लेकर के अंगड़ाई। मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है अब आई। पक्षी दल जग पड़ा प्रभाती गाने वाला है, नया युग आने वाला है। इसी के समानांतर मिशन के माध्यम से एक और क्रांति हुई आदर्श विवाहों के रूप में। बिना दहेज की शादियों के माध्यम से मिशन के कार्यकर्ताओं ने एक अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। आचार्य श्री की इस पीड़ा को गायत्री परिजनों ने समझा और अनेक आदर्श विवाह सामूहिक विवाह संपन्न हुए, जिसके माध्यम से समाज में एक शुभ संदेश गया कि लड़की का इस दुनिया में आना परिवार के लिए दुर्भाग्य नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में जहां भ्रूण हत्या के प्रति जागृति का कार्य मिशन ने अपने हाथ में लिया, वहीं कन्या विवाह की समस्या जो इस दुष्कृत्य के पीछे एक बड़ा कारण था, उसे भी दूर करने के लिए प्राणपण से प्रयास किया। दया, करुणा, उदारता, संवेदना, सहकारिता और क्षमाशीलता जैसे आध्यात्मिक गुणों का विकास नारी की सहज प्रवृत्ति है। श्रद्धेया शैलजी जी के नेतृत्व में भाव प्रधान आध्यात्मिक जागरण की एक नई लहर चल पड़ी है। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक सत्ता काम करती रही है, उसका नाम है मातृसत्ता। ये सुना है स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे आदमी जो भी ख्वाहिश करता है उसकी पूरी हो जाया करती है, चाहे उसका नाम धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो। पता नहीं, उस कल्प वृक्ष को तो देखा नहीं, लेकिन एक जीवंत कल्प वृक्ष को इस धरती पर विचरण करते हुए देखा है। वो मातृसत्ता जब किलकारी भरती हुई पुरुष की गोद में आती है, उसके मन में पिता का वात्सल्य भरती हुई चली आती है, और जब वही नारी कच्चे सूत के धागे राखी के रूप में लेकर पुरुष के पास में आती है, उसके मन में पवित्रता का संचार करती हुई चली आती है, और वही नारी अग्नि के साथ फेरे लेकर जब पुरुष के साथ चल देती है, तब उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलती हुई चली आती है। आज विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। चाहे पान बीड़ी के विज्ञापन हो, चाहे सिगरेट के विज्ञापन हो, चाहे साइकिल के हो, चाहे जेवरों के हो, चाहे किसी से उसका ताल्लुक है तो, चाहे नहीं है तो, उसका वो भौड़ा रूप प्रस्तुत किया जाता है कि उसको देख के मन शर्म से दब जाता है और आंखें झुक जाती है। जब इसका उत्तर ना ही है तो ये गंदी बात आती क्यों है, क्यों नहीं इस पर रोक लगती। और अफसोस इस बात का है कि बहनें भी उन पोस्टरों की होलियाँ जलाया नहीं करती। आज नारी का वो रमणी काम्या और भोग्या वाला रूप जो प्रस्तुत कर दिया, वो रंगी पोती एक गुड़िया भर रह गई मोम की। आज दहेज की बलवेदी पर हमारी कितनी बेटियाँ जल जाती हैं, पता नहीं वो चीखें, वो क्रांत वेदनाएँ कितने कानों तक टकराई, कह नहीं सकती। पुरुष हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को समझ पाया कि नहीं। लेकिन अफसोस तो यह है कि हमारी बहनें भी उन चीखों को, उन आवाज़ों को सुन नहीं पाती। आज दहेज के नाम पर जितनी शादियां होती हैं, बात तो करोड़ों तक जाती है। एक मोटा सा अनुमान ये लगा दे कि भारतवर्ष में होने वाली शादियों में प्रतिवर्ष मान लो 1 करोड़ शादियां भी अगर होती हों, और हर पक्ष में 20-25 हज़ार रुपये भी अगर फालतू खर्च होती हों, ये तो बहुत कम है, राशि तो बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम दोनों पक्ष के मिलाकर 50 हज़ार करोड़ हम अपव्यय के नाम पर न्यूनतम खर्च कर दिया करते हैं। इतनी बड़ी राशि को अगर हम बचा दें तब, और राष्ट्र के नवनिर्माण में लगा दें तब, तो बहनों इस राष्ट्र का कायाकल्प हो सकता है। आज पत्र पत्रिकाओं में मेकअप के तरीके होंगे, खान पान के तरीके होंगे, व्यायाम के होंगे, गृह सज्जा के होंगे, लेकिन नारी नाश निर्मात्री भी है, इस पर किसी का ध्यान जाता है
किसी का ध्यान जाता नहीं, इसके लिए स्वयं नारी को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज पारिवारिक अशांति के दौर से गुजरता हुआ हमारा समाज, सास बहू के लड़ाई झगड़े, जब सास का राज होता है तो बहू प्रताड़ित होती है और जब बहू का राज होता है तो सास प्रताड़ित होती है, और दौरानी जेठानियों पर तो घर के बंटवारे का इल्ज़ाम लग जाया करता है। आज वो परंपराएं जो हमारे समाज की प्यार की परंपराएं थी, भावनाओं की परंपराएं थी, वो पता नहीं कहाँ दिग्भ्रंत होती हुई जाती है। हे मातृशक्ति, अपनी नई पीढ़ी को संस्कारवान कर दो। ये नया राष्ट्र नया समाज आपकी राह देखता है। आप में वो सामर्थ्य है जिसकी गोदी में देवता आकर खेले हैं। इस समाज की, नए समाज की परिकल्पना आपके हाथ में है। नए समाज को, नए बालकों को खाद पानी दिया तब तो ये हंसते खिलखिलाते फूल कल को खुशबू बना देंगे। इस राष्ट्र का भविष्य आपके हाथ में है। हे मातृशक्ति, नवयुग के सतयुग के आगमन के लिए आप सबका भाव भरा अभिवादन। शृंगारिकता के स्थान पर पवित्रता, गहनों के स्थान पर गुण, कमनीयता की जगह श्रमशीलता, उत्पीड़न के बदले उन्नयन, पुरुषों का अनुसरण करने के स्थान पर समाज का नेतृत्व संभालने वाली नारियों के माध्यम से अवतरित होने वाला नया युग वास्तव में एक प्रकार से नारी जागृति का चरमोत्कर्ष होगा। इसमें शताब्दी कन्याओं की शताब्दी है। अगली शताब्दी 21वीं शताब्दी में जितने भी राज जाएंगे और काम करेंगी, बड़ी करेंगी, सब महिलाएं करेंगी। पुरुषों का तो देख लिया कि पुरुषार्थ, हम बड़े पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी हो तो तुम डाका डाल सकते हो, मार सकते हो, हत्या कर सकते हो, कसाई का काम कर सकते हो, जल्लाद का काम कर सकते हो, शराब पीने का काम कर सकते हो, किसी बहन बेटी की इज्जत उतार सकते हो। तुम भले आदमी का काम कुछ काम करोगे, ये माताएं करें। बदलो अपनी चाल, नया युग